उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जिसमें हम बना के दिखाएंगे हैं भाई कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा काफ़ी सिंपल रेसिपी है ऑल दो, लेकिन हम आपको एक डिफरेंट स्टाइल में करके दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे। वो भी काफ़ी सिंपल होगी लेकिन काफ़ी टेस्टी बनेगी। ये कुछ पंजाबी वगैरह स्टाइल नहीं है, ये मैंने खुद से ही बनाया है और काफ़ी टेस्टी बनती है लास्ट में, और दिखने को भी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो हम सबसे पहले लेंगे पालक। पालक को अच्छी तरह से धो के हम इसे फाइनली चॉप कर देंगे और ये यूज़ आएगी हमारे पकोड़े के लिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे काटने के बाद, क्योंकि हम पहले बनाएंगे कढ़ी का बैटर, जिसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले बेसन, उसके बाद थोड़ा चाहिए होगा लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना और एक कटोरी दही। और इन सब के बाद हम डाल लेंगे एक बाउल में 5 टेबल स्पून बेसन, और उसके बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और लाल मिर्च। इन सब को एक बार फटाफट से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसी में डाल देंगे 1 कप दही, और फिर इसे भी अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारा थोड़ा काम बढ़ जाएगा और हमें हाथ थोड़े जल्दी चलाने पड़ेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है 1 गिलास पानी। पानी हम इसमें टोटल डालेंगे 3 to 4 ग्लास, आप 2 to 3 भी रख सकते हैं जैसे आपको कंसिस्टेंसी पसंद हो, लेकिन मैंने 2 से 3 ग्लास डाले हैं। और देखिए ऐसा होना चाहिए, अभी मैंने 1 गिलास और डालना है इसमें। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी और डाल दिया है, 1 गिलास तो नहीं है पूरा, 1 गिलास से थोड़ा कम ही है, और इसको थोड़ी देर के लिए अब रेस्ट करने के छोड़ देंगे। और एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबल घी, और घी डालने के बाद हम इसमें डाल लेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, और उसी में डाल लेंगे 1 चुटकी मेथी दाना और 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर एक बार हल्दी भी डाल देंगे इसमें थोड़ी सी, 1 टीस्पून मान सकते हो अभी, 1 चुटकी जैसा आपको अच्छा लगे। उसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसी में डाल देंगे हमने जो बैटर बनाया था ना थोड़ी सी साइड रखा था, उसी को इसमें डाल देंगे। इसे भी डाल के इसे अच्छी तरह से एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, और इसे मिक्स करते रहना था जब तक इसमें एक अच्छा बॉईल नहीं आता। तब मुझे इसमें फ़र्स्ट बॉईल लाने के लिए तकरीबन 20 मिनट लगी थी। देखिए ऐसा लगेगा ये बॉईल आने के बाद, दिख रहा ना अच्छा। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी चीज़ के ऊपर, यानी पकौड़े के ऊपर, और उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक पैन में तेल गर्म करना हो जिसमें पकौड़े तलेंगे, और फिर जो हमने पालक ली थी ना उसको भी एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। सारी की सारी को अच्छी तरह से एक बार रोस्ट करके डालना है, डाल के एक बाउल में निकाल के उसमें हम डाल देंगे 1 प्याज अच्छी तरह से कटा हुआ फाइनली चॉप्ड। आप 1 बड़ा प्याज ले सकते हो, और मैंने तकरीबन 1.5 प्याज लिया, मतलब 1.5, एक छोटा एक बड़ा। उसमें फिर 2 मिर्च डाल दी है, वो भी फाइनली चॉप, ज़्यादा बड़ी मत करना वरना मुँह में लगेगी बहुत ज़्यादा। फिर 1 चम्मच के तकरीबन नमक ले लेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, और फिर इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, फिर डालेंगे इसमें हल्दी 1 टीस्पून तकरीबन, और फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 चुटकी तकरीबन है, 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा ही है। फिर इसमें डालेंगे मीठा सोडा, वो है 1/2 टेबल स्पून, फिर डालेंगे जो हमने दही रखी थी ना, मतलब अलग से लिए, वो तो ख़त्म हो गई मेरी, अलग लेके आनी पड़ी, बड़ी दिक्कत हुई। फिर डालें दही डाल दी हमने इसमें, 1 कप दही है ये। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फटाफट मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसमें डाल देते हैं हम बेसन 5 टेबल स्पून के तकरीबन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को 5 ही चाहिए, तो इसमें 5 चम्मच मिला के इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, इसका अच्छी तरह से एक बैटर टाइप से बना लेंगे। जल्दी से मैं इसमें पानी डालता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, यूँ एक बार में मत डालना वरना सारा ख़राब हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और फिर अब इस बैटर को कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने से पहले एक बार हम टेस्ट कर लेंगे, मैंने थोड़ा सा डाला है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा और डाल के देख लेते हैं, ये भी ठीक है। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा डालते रहते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल वैसे डाल रहा हूँ, इसके बाद आपको हाथ से भी डाल के दिखाएंगे। हाथ से काफ़ी अच्छी शेप आती है, स्पून से उतनी अच्छी नहीं आती जितनी हाथ से आ जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा हाथ से डाले तो अगर अच्छी शेप चाहिए, लेकिन अगर आपको हाथ जलने का डर है तो आप स्पून से डालिएगा, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, तेल के छींटे आपके पास आ सकते हैं, आपके ऊपर आ सकते हैं। और ये हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं, दिखने को तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक बार मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और इसे तोड़ के भी दिखाता हूँ कैसे दिखेंगे अंदर से, लेकिन उससे पहले हम एक बार मैं आपको हाथ से भी डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए
हाथ से लगभग गोल शेप आ जाती है, वो काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में भी। टेस्ट तो दोनों का सेम ही होगा लेकिन शेप का फ़र्क होगा बस। ये देखिए काफ़ी सही लग रहे हैं। अब इसके बाद हम इनको भी एक बार अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, फिर निकालते हैं इन्हें बाहर। ये देखिए हमारे पकोड़े एकदम सही तैयार हो चुके हैं। और कढ़ी भी देखो आप साइड में रखी है, कितनी अच्छी लग रही है ये। अब मैंने अभी लो फ्लेम पे चला रखी है, थोड़ी देर के लिए चलने देते हैं इसे और पकोड़ों को एक बार निकाल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जी हाँ, ये मेरा ही हाथ था, इग्नोर कीजिए वैसे। और पकोड़े निकालते हैं, काफ़ी तेल है इनमें इसलिए एक नैपकिन पे रख लीजिए है मैंने। आप भी किसी ऐसे कपड़े या नैपकिन पे रखें ताकि इनका तेल आसानी से निकल जाए। और एक बार ये देखिए इनका शेप देखिए, टेक्सचर तो देखिए इनका। ये देखो आपको एक क्लोज़अप भी दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छे सही लग रहे हैं। अब इन पकौड़ों को मैं डाल देता हूँ इस कढ़ी में। ये भी गैस चली रही है, मैंने जब से इसको रखी रखा गैस के ऊपर, लो फ्लेम पे है। अब मैं इन पकौड़ों को आराम से इसमें डाल देते हैं, धीरे धीरे करके डालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एक दो ऐसे धीरे धीरे करके डाल देते हैं सभी के सभी। मैं थोड़ा दूर हाथ रख के डाल रहा हूँ ताकि मेरा हाथ ना जल जाए। ये देखिए अब इनको ऐसे आराम से मिक्स करेंगे, धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ किया तो ये पकौड़े टूट भी सकते हैं और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है और कड़ी भी साइड में गिर सकती है। धीरे धीरे करके डालते रहेंगे। अब इसे अच्छी तरह एक बार स्टर कर लेंगे जल्दी से। एक बार इनको एक बाउल में निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए है ना कितनी सिल्की आ रही है, पकौड़ा भी एकदम बढ़िया है और कढ़ी भी एकदम अच्छी है। एक बार इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर अंदर से, और इसका टेस्ट तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना लाजवाब है। आप इसे घर में ट्राई ज़रूर ज़रूर करना, ये बहुत अच्छी डिश बन के आती है लास्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ ना, क्या कर रहे हो, अभी तक 11 सब्सक्राइबर है बस, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो डाल दी। सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि और वीडियो आते रहे।